लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, ऐसे में विधानसभा की तैयारी में सभी पार्टी दल के लोग अपने तरीकों से अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए चुके हैं। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं ब्योंडी के अशोका होटल में, जहां पर MIM के थाने जिला अध्यक्ष अयाज मौलवी के नेतृत्व में ब्योंडी सदर जिला के नए कार्यकारिणी में कई लोगों को नियुक्ति पत्र देकर नियुक्ति की गई। जैसे मैं आपको बता दें कि एडवोकेट अमिल कामले जो कि महासचिव बने हैं ब्योंडी सर MIM के, अजहरुद्दीन शेख खजिंदार, अयान शेख सह सचिव, फैज खान सह सचिव, डॉक्टर जिया अंसारी, नसरुल्ला खान, अतिक मोमिन, अब्दुल माजिद शेख, इम्तियाज अंसारी, अब्दुल्ला शेख, अयाज अंसारी, नौसाद खान, नवीस शेख, अनिस शेख सहित MIM पार्टी में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि खाड़ी पार के एक जानी मानी शख्सियत जो राजनीतिक में पिछले 30 वर्षों से लोगों के बीच में रहकर जनता के हित में कार्य करने की कार्य की शुरुआत अपने तरीके से की है, उन्होंने भी आज MIM पार्टी में ज्वाइन होकर MIM पार्टी की सेना की। कहा कि MIM पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो सभी जाति धर्म को लेकर अपने साथ चलती है। ऐसे में रसूल खान ने दूसरे पार्टियों पर भी आरोप लगाते हुए क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे भिवंडी शहर MIM के अध्यक्ष शादाब उस्मानी के नेतृत्व में रखा गया था, जहां पर आप देख सकते हैं कि थाने जिला के जो अध्यक्ष है अयाज मौलवी के हाथों नियुक्ति पत्र देकर सभी को सम्मानित किया गया, पुष्पगुच्छ देकर सभी लोगों को MIM पार्टी में ज्वाइन किया गया। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए भिवंडी शहर MIM के अध्यक्ष शादाब उस्मानी और साथ ही साथ रसूल खान जो कि एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें खाड़ी पार से अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में MIM पार्टी में शामिल हुए। देखिए खास रिपोर्ट को। मैंने MIM पार्टी ज्वाइन करने का असल मेरा मकसद जो था, इस देश के जो हालात है, इस हालातों के अंदर मैं हर पार्टी के तकरीबन जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं ऐसी पार्टियों के भी करीब रहा, जो एक सामाजिक व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र के मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए एक नारा था उस पार्टी के भी करीब गया। तमाम हालात देखने के बाद में कुछ ऐसा नेतृत्व ने देश को दिख रहा था कि जो अल्पसंख्यक के और इतर मागस वर्गीय के और बुद्धिस्ट समाज के हक के लिए कोई लड़ने वाला ऐसा मजबूत लीडर नज़र में नहीं आ रहा था। मेरे 30 साल के कार्यकाल के अंदर मेरा राजकीय जीवन मेरा 30 साल का है, 30 साल के अंदर मैंने कोई समाज के अंदर परिवर्तन नहीं देखा, खाली समाज का शोषण किया हुआ ऐसे राजकीय नेताओं को भी देखा और अपने आप को सेकुलर करने वाली पार्टियों को भी देखा, और इनकी तो मिसाल ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की, शिवसेना की, या शिवसेना से लगे हुए जितने भी ब्लॉक संगठन हैं इनकी, इन्होंने अल्पसंख्या और पिछड़ों के ऊपर अन्याय अत्याचार करके अपने उल्लू सीधा किए। इसलिए मुझको MIM में जाने का असल मैंने मकसद इसलिए समझा, मैंने नहीं, मैंने अपने विचार मन जो लोग थे उनसे मैंने विचार पूछताछ किया, उनसे मशवरा लिया, जिसमें ख़ास तौर से मशवरे के अंदर एडवोकेट अमूल कांबड़े से मैंने इस चीज़ पे चर्चा किया कि यार मेरा मन बोलता है कि अवैसी साहब संसद को गजाने वाला आदमी, अल्पसंख्या के बारे में, इतर मागस वर्गियों के बारे में संसद के अंदर बोलने वाला आदमी और एक मुस्लिम नेतृत्व लेके और उसके साथ में ऐसा और एक नेतृत्व आया जिसको इस महाराष्ट्र के अंदर जिसने इस भारत देश की घटना बनाए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपुत्र प्रकाश अम्बेडकर जी, ऐसा नेतृत्व मिलने के बाद में एक नई क्रांति मुझको इस देश के अंदर नज़र आ रही थी। इसलिए मैंने अमूल कांबड़े जी, एडवोकेट अमूल कांबड़े से विचार विमर्श करके मैं 7 तारीख को इस भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शादाब उस्मानी जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मैं जाके MIM के अंदर प्रवेश किया। इस मेरा मकसद यह है कि सामाजिक उन्नति हो, समाज के अंदर एक नई क्रांति पैदा हो और समाज के अंदर जो मूलभूत समस्या है उसका निवारण हो, इस राज्य से भी हो, इस देश में भी हो, और स्थानीय पातड़ी के ऊपर जो सरकार की जो महानगर पालिका है या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायत है, ऐसे में लोगों के समस्याओं का निवारण हो, इसी मकसद से मैंने MIM में जाने का विचार किया। अपने साथियों के साथ में मैं MIM में प्रवेश किया। मेरा मकसद यह है कि एक नई क्रांति इस देश के अंदर लाने वाला कोई नेतृत्व मिला तो हमें वैसा नेतृत्व मिलेगा जिसका नाम अवैसी साहब है, और अवैसी साहब पे ऊपर विश्वास करके और उनके सहयोगी डॉक्टर
प्रकाश अंबेडकर, एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के विचारों को लेकर मैं इस पार्टी के अंदर प्रवेश किया। देखिए मोहतरम रसूल खान साहब ने 7 तारीख को अशोक होटल में हमारे थाने जिला अध्यक्ष अयाजी मौलवी साहब के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा था पदवी वाटप कार्यक्रम, उसमें रसूल खान साहब ने पार्टी में प्रवेश किया है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भिवंडी शहर में जो जनता को मूलभूत अधिकार नहीं मिल रहा है उसे मूलभूत अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष रहेगा ये उसका हिस्सा बनेंगे। और ये एक संघर्षशील नेता है, इनकी 30 साल की पॉलिटिकली जो मैच्योरिटी है वो हमारे काम आएगी। इनको एक अहम जिम्मेदारी देने के लिए हम एडवोकेट, हमारे जो सहयोगी हैं एडवोकेट अमूल कामले साहब, उनसे चर्चा कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनको जल्द, बहुत जल्दी पार्टी की एक अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी इंशाल्लाह। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।